Assalamualaikum, welcome back to my new vlog. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बज गए हैं। चूजों को तो मैं फ्लाग वगैरह डाल के आ गया था, पानी वगैरह भी डाल दिया था, तो आप भी उनकी दवाई भी बनाइए। ये है जब मैं अंडा देखने जाऊंगा तब डाल दूंगा या शाम को डाल दूंगा। और जो थे मूलियों के पत्ते वो भी मैंने काट के रख दिए हैं, तो वो भी डाल देंगे जब अंडा देखने जाएंगे। मैंने कहा रुकना नहीं, मैं मुर्गियों से स्टार्ट करता हूँ और मुर्गियों पर खत्म कर देता हूँ। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है अपना हेलमेट मैंने खो लिया, तो इसका जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है ना, तो वो थोड़ा सा सेट करने वाला है, तो वो कर लेते हैं सर। अभी अपने मोटो व्लॉग सेटअप का मैंने दोबारा से कोशिश की है ठीक करने थे। एक माइक यहाँ पे लगा हुआ है और एक माइक मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो दोनों माइक टेस्ट करेंगे किस माइक से जो है वो अच्छी आवाज़ आती है। तो वो माइक अभी बस क्या करें, मैं बहुत दुखी हूँ इसको लेके। और अंदर से मैंने थोड़ी सी फिटिंग की थी, तो वो फिटिंग भी अभी निकाल ली है एक आधी, ताकि वो हेलमेट का एंगल जो था ना, हेलमेट की जो चिन्ह है वो आ रही थी यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ताकि जब हवा क्रॉस हो तो हवा अंदर को ना जाए, तो इस तरह की चीज़ थी, तो वो भी मैंने करने की कोशिश की है। जब मैं बाइक पकाता हूँ तो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती माइक पर, अगर स्लो स्लो चलाऊँ फिर आ जाती है। अब ये इशू कोई और है तो ये अब मुझे नहीं पता। अभी जो मैंने माइक लगा लिया, तो जो दूसरा माइक मैंने सेट किया था वो लगाया, तो अभी चेक भी कर लेते हैं। और बाइक मेरी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसे भी साफ़ करते हैं। कपड़ा पड़ा है यहाँ पे, अरे हाय मिट्टी 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 मिट्टी। बाइक असल में दरअसल मैंने इसका कवर नहीं लिया हुआ, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है बाइक पे। चलिए जी गाइस, बाइक हमारी साफ़ हो चुकी है, तो बस इसकी बैटरी है ना डिटैच की हुई है, तो वो अटैच कर देते हैं। तो देखते हैं बैटरी के अंदर चार्जिंग अभी बाकी है कि नहीं बाकी। ये हमने कर देती है अटैच बैटरी, तो यहाँ पे भी नंबर्स वगैरह आ गए हैं। तो बैटरी की चाबी, बाइक की चाबी लेके आऊँ एक बार। ये जी बाइक चाबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई स्टार्ट। ओए बंद हो गई बैटरी, बिल्कुल ठीक है। बाइक जो है काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसे थोड़ा सा वार्म अप कर देते हैं। अभी इसे 5-10 मिनट के खड़ा होने देते हैं ताकि ये बाइक गर्म हो जाए। इसका इंजन ऑयल भी मैंने चेक नहीं किया हुआ, तो बाइक तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चल गई है, तो आज इसका इंजन ऑयल भी चेक करेंगे। तो ये जो पार्ट्स वगैरह मैंने अभी नहीं लगाए, तो मैंने कहा सर्दियाँ गुजर जाती हैं तो फिर लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में बैटरी ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो बाइक में थोड़ी सी कम निकालता हूँ, तो इसलिए ये फिर चार्ज करनी पड़ती है, तो ये नहीं लगाएंगे पार्ट्स वगैरह। मोटो व्लॉगिंग सेटअप घर के अंदर तो टेस्ट हो चुका है, तो कभी बाइक निकालेंगे, अगर आज निकाली तो आज टेस्ट कर लेंगे, नहीं तो ये टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये अच्छा होगा तो ये तो मज़े आ जाएंगे। पता नहीं क्या है, थोड़ी सी ठंड ठंड सी लग रही है, ऊपर धूप में बैठा हूँ तो ठीक है, नीचे आऊँ तो सर्दी सर्दी सी लग रही है। तो मैंने पहने भी हाफ पहनूँ मैं, तो शर्ट थोड़ी सी देखते हैं, अगर मिल गई वो वाली शर्ट तो वो पहनते हैं। यहाँ से मिल जाए वो वाली शर्ट तो वो वाली पहनते हैं, बाकी तो सारी हाफ बाजूएँ हैं। और ये सूट यहाँ पे पड़ा है तो मुझे पता ही नहीं, चलो इसे रख देते हैं इस साइड पे। ये मिल गई शर्ट। हाँ जी, तो कैसी लगी ये वाली शर्ट? वैसे तो मैं पहनता नहीं, तुम मुझे अच्छी लग रही है, तो पता नहीं क्यों नहीं पहनता था ये मैं। अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया है, तो मुर्गी इस टाइम ही अंडा देती है, तो देख लेते हैं अंडा दिया है कि नहीं दिया। और उन्हें ये दवाई भी डाल देते हैं और मूलियाँ काटे थे वो भी डाल देते हैं। तो फिर हमने जाना था डिस्कॉर्ड, काम है तो वहाँ चलते हैं। आवाज़ें तो निकाल रही है कुकू कुकू कुकू, तो देखते हैं अंडा दिया कि नहीं दिया। अभी तक कोई अंडा नहीं दिया मुर्गी ने। चिड़िया जो है यहीं पर बैठी हुई है और फाख्ता जो है वो जाकर बैठी हुई है। और फाख्ता को जो बच्चा था सुबह मैंने देखा था, वो पीछे मकान है तो वहाँ पे बैठा हुआ था, तो अभी नहीं नजर आया कहाँ गया है। चलें जी गाइस, अभी चलते हैं डच कोट और अपना हेलमेट भी मैंने साथ ले लिया, और ये भी चेक कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अपने पीछे चेक कर। एम जी यार तेन मैं कोई कहना, तू इतने फिर रहना, तेन गड्डी मैं कहते तू इतने पार्किंग ला थी। चलो मैं चलानी हेलमेट लेके आया। लो सफर शुरू हो गया डिस्कॉर्ड तक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या चीज़ मेरे हाथ लग गई है। ओ मैंने सोचा था आज अपनी बड़ी बाइक में मोटो ब्लॉग करूँगा, चले कोई नहीं छोटी सी बाइक पे ही मोटो ब्लॉग कर लेते हैं आज के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बाइक है ये। कितने मॉडल मोटरसाइकिल है? 18 मॉडल मोटरसाइकिल है ना कर
अच्छा भी नहीं चलता जी। अल्लाह का नाम लेके सफर करते हैं शुरू। आज इस बाइक पे हम करेंगे इसका 120 तक जाता है मीटर, तो चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड कितनी है। आज इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। अच्छा जी, इस बाइक की जो सस्पेंशन मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वाह बार ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है बाइक। इधर इधर अगे आइए, किधर आइए, इधर आइए। चलो इंग्लैंड रह रहे हो कि यूके रह रहे हो? कितों आए हो तुम? आपने बाइक में डलवा रहा है पेट्रोल और साथ कार ले घूम रहे हो, तो वो भी हमारी समुद्री सिटी में। अस्सलाम वालेकुम जी। वापस जा रहा है, वापस जाइए। आज कंटेंट ही कंटेंट है। अभी बाइक ऐसे ले जाते हैं जहाँ तक जाती है, उसको पेट्रोल मैंने देख लिया, तो बाइक हम चलाएंगे बहुत स्लो स्लो ताकि हमारी बाइक जो है वो डिस्कवर तक पहुँचे। हाँ जी, ओ मशीन आ गई है, एटीएम कितना मिल जाएगी? एटीएम मशीन है इतने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच गए हैं डिस्कवर। हाँ निकाले, चलो फिर और पेट्रोल पंप भी आना। चलो ठीक, चलिए अभी चलते हैं आहद के मामू की तरफ, जाना थोड़ी देर, तो वहाँ पे काम है, तो वो काम करके तो फिर इंशाल्लाह वापसी कर लेते हैं। आज पहली मरतबा मैं डचकोट जो है ना अंदर से विज़िट करने वाला हूँ, तो पहले कभी भी इस तरफ नहीं आया मैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे इस बाज़ार पर। चले जी गाइस, अभी चलते हैं वापस। तो अभी यहाँ पे आए थे रंधावा, मेरे मुँह से निकल गया अब्दुल आहद के मामू जी को फोन देना था, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ब्लड निकलवाना था आपके, तो वो निकलवा दिया। तो अभी चलते हैं, तो इसमें पेट्रोल अभी तक नहीं भरवाया, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ से दिलवाते हैं इसका पेट्रोल भी। सलाम वालेकुम, 400 का कर दो जी। 400? हाँ जी। ओके भाई, थैंक यू, इंशाल्लाह ताला। अभी तकरीबन शाम के 5:15 हो चुके हैं, तो अभी आप देख लेते हैं मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज दे अंडा देता है कोई? जे कोई नहीं, फिलहाल आज का कोई अंडा इन्होंने नहीं दिया, तो अभी पानी कम है तो वो भी डाल देते हैं और खुराक डाल देते हैं इनको। अभी मैं देख रहा था फाख्ता का बच्चा आज नहीं नजर आया हमारी छत पे, तो सुबह वो सामने वाली छत पे नजर आ रहा था, तो आज वो भी नहीं अभी नजर आ रहा। या ये ना हो वहाँ के बच्चों ने पकड़ लिया हो, या हो सकता है उड़ के कहीं और जगह चला गया हो, कोई चीज़ नहीं नजर आ रही।